न्यूज आयन में आपका स्वागत है। पेश है आज की हेडलाइंस। पिथौरागढ़ सर्विलांस सेल ने जनपद में गुम हुए 25 लाख के 105 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पंत ने गुरुवार को पुलिस कार्यालय में बरामद मोबाइल फोन उनके स्वामियों के सुपुर्द किए। मोबाइल फोन धारकों ने पुलिस का आभार जताया है। जिला मुख्यालय के मोष्टमानु क्षेत्र में बेस अस्पताल का निर्माण शुरू होने के साथ ही ग्रामीणों के पैदल मार्ग और सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। हलपाटी और गौड़िया गांव को जाने वाली सड़क बंद हो जाने से ग्रामीणों को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से आवागमन की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ प्रथम चेयरमैन स्मृति फुटबॉल कप प्रतियोगिता में गुरुवार को मुंशियारी और कासनी की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल जिला पवन जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुकाबले की शुरुआत कराई। रोमांचक मुकाबले में कासनी की टीम 2-1 के अंतर से विजयी रही। केमू स्टेशन निवासी मीरा थापा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने उनसे 3.5 लाख की धोखाधड़ी की है। लुनछुड़ा निवासी खुशबू ने पुलिस को बताया कि उनके साथ 2 लाख की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस की फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगी गई धनराशि दोनों महिलाओं को वापस करवा दी है। हमारी ऑटोक्राफ्ट डिजाइनिंग टीम ने ट्रेडिशनल डिजाइन और नवीनतम ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सोने, चांदी, नवरत्न और डायमंड के आकर्षक आभूषण तैयार किए हैं। आदर्श तकनीक के साथ हाथ से बने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी की विस्तृत वैरायटी और विशाल रेंज एवं राशि के नगीने भी उपलब्ध। आज ही प्रतिष्ठान में आकर गोल्ड व डायमंड की विशाल रेंज देखें। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी 1962 से आभूषण निर्माता, पुरानी बाजार पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ आगामी मुहर्रम को लेकर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पंत की अध्यक्षता में कोतवाली में अमन शांति गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में मौजूद लोगों से मुहर्रम को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही शासन से जारी दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया। बैठक में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ मुंशियारी के लोकप्रिय समाजसेवी एडवोकेट नाथुराम वर्मा का निधन हो गया है। उनके निधन का समाचार मिलते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए हमेशा संघर्षरत नाथुराम वर्मा को उनके निधन पर तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बेरीनाग नगर पंचायत क्षेत्र में बना बैंड से जमुना नगर तक बना सीसी मार्ग पहली बरसात में ही क्षतिग्रस्त हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दरबान राम चनियाल के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने आज उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर बताया कि सीसी मार्ग बेहद घटिया गुणवत्ता का बनाया गया था, जिसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी। क्षेत्रवासियों ने मार्ग की जांच की मांग उप जिलाधिकारी से की। थरकोट झील में रविवार को डूबे युवक के मामले में शिक्षा विभाग और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि इस हादसे के लिए सिंचाई विभाग और ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार है, इन दोनों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच होने वाली ग्रीवेंस बैठक स्थगित कर दिए जाने पर लोक निर्माण विभाग नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ ने कड़ा आक्रोश जताया है। संघ के जिला मंत्री नंदकिशोर जोशी ने कहा कि जल्द बैठक बुलाकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट तहसील के अंतर्गत एक नाबालिग से दुराचार के मामले में न्यायालय ने युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसे 2 अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत से मिली जानकारी के अनुसार गंगोलीहाट तहसील के टिमटा गांव का निवासी सुमितानंद एक नाबालिग को अपने साथ ले गया, दिल्ली हरिद्वार पंजाब में कई दिनों तक साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाए। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों को दिल्ली से पकड़ लिया। पशु चिकित्सालय मोनाकोट ने शुक्रवार से खुरपका और मुंहपका बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। मोनाकोट पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत ने बताया, पहले दिन ग्राम पंचायत बड़ालू में 48 परिवारों के 89 गाय और 10 भैंसों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों से बचाव हेतु अपने पशुओं का टीकाकरण करने का अनुरोध किया है। पुलिस लाइन रोड पर सड़क किनारे अनावश्यक रूप से वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वाले 2 वाहनों को क्रेन की मदद से टो किया। गैराजों के आगे गलत तरीके से वाहनों को खड़ा कर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने पर SIRT और पुलिस टीम ने 2 गैराज संचालक
मोहम्मद शहबाज मेराज अली का पुलिस अधिनियम के तहत 10-10 हजार रुपए का चालान किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्यटक आवास गृह परिचय रिजॉर्ट नौकुचियाताल मुक्तेश्वर पर्यटक आवास गृह सात ताल को निकाली गई निविदा को निरस्त करते हुए दोनों निगमों के एकीकरण से पूर्व किसी भी इकाई आवास गृह को निजी क्षेत्र में न दिया जाए, सीएम को भी भेजा ज्ञापन। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 9 से 14 जुलाई तक संपन्न हुई 5वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक वर्ग की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता ब्रिजेश टमटा का पिथौरागढ़ पहुंचने पर श्री सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनके कोच प्रकाश जंग थापा एवं निखिल मेहर की मौजूदगी में स्वागत किया गया। कारगिल विजय दिवस आगामी 26 जुलाई को शौर्य दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। शौर्य दिवस मनाए जाने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि शौर्य दिवस पिथौरागढ़ में उल्का मंदिर परिसर के निकट स्थित शहीद स्मारक स्थल पर मनाया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय पिथौरागढ़ में एंटी करप्शन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। वक्ता डॉक्टर गणेश, डॉक्टर कामना, डॉक्टर बबीता, प्रोफेसर प्रेमलता ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज में जनमानस को जगाने का कार्य करना होगा। मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीईओ अशोक कुमार चुगड़िया ने खंड उप शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों को अपने अपने विद्यालयों में पूर्ण रूप से कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तक गणवेश के पूर्ण रूप से वितरण के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में विस्तार से पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।